क्या आप लोग भी ऑनलाइन फील्ड से रियल अर्निंग करना चाहते हैं? आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में ना तो मैं किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा और ना ही किसी वेबसाइट के बारे में बात करना और ना ही किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चंद रियल तरीके बता रहा हूं जिसको यूज़ करके आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इन तरीकों को यूज़ करके अर्निंग कर रहा हूं, तो मेरे सारा सेटअप अगर आप लोग देख लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे ऑनलाइन अर्निंग से बनाया, तो आप लोग भी ये काम कर सके, अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में ना ही तो मैं किसी इन्वेस्टमेंट साइट के बारे में बताना और ना ही किसी एप्लीकेशन के बारे में बताना, आज मैं रियल तरीके के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है नईम राज और आप देख रहे हैं स्किल्स मेंटर YouTube चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। आप लोग मतलब तंग आ चुके होंगे वेबसाइट के बारे में सुन के, अपने पैसे डुबा कर तंग आ चुके होंगे, इन्वेस्टमेंट करके तंग आ चुके होंगे, वहां से आप लोगों को अर्निंग नहीं होती। अभी से आप लोग जान लें किसी वेबसाइट किसी एप्लीकेशन के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो मैं तरीका बताने वाला हूं इंशाल्लाह, इस तरीके को अगर आप समझ लेते हैं तो आप लोगों की अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो तकरीबन पिछले 5 सालों से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अर्न भी किया है। तो यहाँ पर मैं अपनी अर्निंग शो करने नहीं आया, आप लोगों के लिए आया हूं, आप लोगों को समझाना है ताकि आप लोग भी अर्निंग कर सकें। मेरे सुबह से शाम तक DM मैसेजेस आ रहे होते हैं इनबॉक्स, व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेज यही आ रहे होते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताओ, भाई हमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताओ, हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी, भाई हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी, हमारे मतलब ना तो हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, आप हमें अब कुछ चीज़ बताओ YouTube के बारे में बताओ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करूँ तो आप लोगों को बता दूँ शॉर्टकट अर्निंग क्या होती है और लॉन्ग टर्म अर्निंग क्या होती है, इसमें सब शॉर्टकट के नुकसान क्या है। आप में से मैंने काफ़ी लोगों को देखा शॉर्टकट के पीछे भाग रहे होते हैं, फलां वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कभी किसी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अभी से आप लोगों को बता दूं आप लोग ने अर्निंग करनी कैसे, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो कैसे पॉसिबल हो सकती है, शॉर्टकट तरीके से अर्निंग होती है, बट उधर आप लोगों ने नहीं जाना, वो आज के दिन की अर्निंग होगी, कल वो अर्निंग आप लोगों को नहीं होगी। जो आप लोग मेहनत करके अर्निंग करेंगे, स्किल सीख कर अर्निंग करेंगे, वही आप लोग लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकेंगे। आप लोगों ने अब मैं बात स्टार्ट करूँ कौन सी स्किल सीखनी है, क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करूँ तो आप लोग भी कह रहे हैं काफ़ी वीडियो लंबी कर रहा है, वीडियो लंबी नहीं कर रहा, आप लोगों को थोड़ा सा तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मेन बात होगी आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल जो भी काम करना है, मेन स्किल सीखनी है, उनके ऊपर काम करना है, ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, सिंपल स्किल सीखनी है। अब स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में स्किल्स सीख लोग सिखा रहे होते हैं आप लोगों को, आप लोग उससे पेड भी सीख सकते हैं। स्किल सीखनी है आप लोग स्किल सीख कहाँ से सकते हैं, कौन सी स्किल सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। स्किल सीखनी कौन सी है, जिस चीज़ में आप लोगों का खुद का इंटरेस्ट है। मुझे मतलब मैं अब अपनी बात करूं, मुझे टेक में इंटरेस्ट था, मैं टेक के बारे में मतलब सीखता हूं, मेरे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, उसके बाद वीडियो एडिटिंग हो गई, काफ़ी सारी स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र उनसे अर्निंग भी कर रहा हूं। तो स्किल्स सीख तो सब लेते हैं, बट उससे आगे आप लोगों ने क्या करना होता है वो भी काम ज़रूरी होता है, तो उसको भी आप लोगों ने सीखना है। सबसे पहले आप लोगों ने स्किल अपनी मतलब माइंड देखना है कि आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, किस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट है, उस चीज़ को सीखना है। उससे होगा क्या, एक तो उस काम को अच्छे से अच्छा कर सकोगे और बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग कर सकोगे। एक तो आप लोग अपने इंटरेस्ट को देख लें, अगर आप लोग अपने इंटरेस्ट की समझ नहीं आ रही क्या कुछ स्किल्स होती हैं, क्या क्या सीखना चाहिए, ब्लॉगिंग क्या होती है और क्या कुछ स्किल्स होती हैं, तमाम स्किल अगर आप लोगों को स्किल्स के बारे में नहीं पता कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी सीखनी चाहिए, किस 2022 में 2023 में कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट लाजमी सिखा दें, मैं स्किल्स के बारे में बताऊंगा कौन सी स्किल्स बेस्ट रहेंगी, यूट्यूब चैनल के आइडियाज़ बताऊंगा कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब कम व्यूज़ पर ज़्यादा अर्निंग होती है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, नीचे कमेंट लाजमी करके मुझे बताना। अब इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वीडियो में काफ़ी लंबी नहीं बनाने वाला, आप लोगों को सिंपल चंद बातें बता रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी और आप लोग आगे अपना काम भी कर सकेंगे। अब स्किल आपने सबसे पहले कोई स्किल सोच ली, बस मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, भाई आपने सोच लिया कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता हूं। अब स्किल्स की बात करी तो स्किल्स की हर स्किल की कदर है, ठीक है, अभी भी टाइम पर ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसकी कदर ना हो, जो भी स्किल सीखते हैं वो आप लोगों की ज़ाया नहीं जाएगी, इसमें आप लोगों की ना कोई तलीम ज़रूरी है, मतलब तलीम थोड़ी बहुत मतलब आप लोगों की एजुकेशन होना ज़रूरी है जिससे आप लोगों को थोड़ी इंग्लिश समझ आ जाए, की तलीम इतनी खास होना जरूरी नहीं है। काफ़ी लोग फिर रहे होते हैं मतलब उनकी मतलब नौकरियां नहीं लग रही होती, किसी ने मास्टर किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, काफ़ी लोग में से ऐसे फ्री फिर रहे होते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन काम के बारे में आप लोग कुछ स्किल्स बिल्ड करें। अब दूसरे नंबर पर क्या बात स्टार्ट करूं तो यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बेशक आप जिधर से भी हैं आप लोगों के पास सिंपल एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन से भी आप लोग अपना कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसे आप लोग नेट के पैकेज लगा
कि मतलब ऐसे नेट जाया कर रहे हो, आपने ऐसे नेट जाया नहीं करना, उससे फायदा हासिल करना है, उससे आपने फायदा हासिल करना है और उसी के ऊपर, उसी चीज के ऊपर आपने काम करना है, उसी से अर्निंग करनी है। अब इस मोबाइल फोन को यूज करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से सीखा, मैं सब कुछ जो भी सीखा मैंने यूट्यूब से सीखा है। अब आप लोग एक स्किल्स जान लेते हैं मेरे में भाई इंटरेस्ट इस चीज़ में, मैं वो स्किल सीखना चाहता हूँ, उसी चीज़ को यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करें। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को काफ़ी वीडियोज देखने को मिल रही होंगी। अब उधर से आप लोगों ने मेन क्या करना है, एक कोर्स देखें, ब्लॉगिंग आगे ब्लॉगिंग का कोर्स देखें, ब्लॉगिंग मैं भी सिखा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को विजिट करके आप लोग ब्लॉगिंग सीख सकते हैं और भी आगे आप सब नेक्स्ट काफ़ी स्किल्स सिखा रहा हूँ, तो मेरा चैनल आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट आ गया कि भाई आपने फलां स्किल सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, अब वीडियो एडिटिंग भी बेतहाशा आप लोगों को कोर्स यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को कोर्स नहीं मिलता। वीडियो एडिटिंग मैंने जो कुछ भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ सब कुछ फ्री में सीखा, आज तक कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया। आप लोग अपने इंटरेस्ट के अलावा भी स्किल सीख सकते हैं, कौन सी स्किल हाईएस्ट पेइंग स्किल है इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करके रख लेना। तो आप लोगों ने फ्री में सीखना है, यूट्यूब से आप लोगों ने सीखना है बिल्कुल फ्री में। अब आप लोगों ने एक स्किल सीख ली, दूसरे नंबर पर क्या करना है एंड पे आप लोगों को बताऊंगा स्किल को यूज करके कैसे अर्निंग कर सकोगे। अब दूसरे नंबर पर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, बेशक आप जो भी हैं जैसे भी हैं अपना YouTube चैनल बना सकते हैं, आप लोग अपना YouTube का चैनल क्रिएट करें। अब आप लोग कर सकते हैं, बेशक आप फीमेल हैं मेल हैं, जो बेशक आप फीमेल हैं फिर भी आप लोग अर्निंग कर सकती हैं। तो बात मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग स्किल सीखें उसके ऊपर काम करें। अब YouTube का काम कैसे स्टार्ट करना है, जिस चीज़ में YouTube में आप लोग करना चाहते हैं। अब काफ़ी लोग काफ़ी काम कर रहे होते हैं, काफ़ी बहन भाई मेरे जो मतलब काम कर रहे होते हैं उनका मतलब काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो आप लोगों ने मेन चीज़, अब मैं टेक यूट्यूबर हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही टेक में, तो मैं टेक के ऊपर बताता हूँ आप लोगों को, मतलब मुख्तलिफ स्किल्स सीखें, स्किल्स को भी आगे सिखा रहा हूँ। अब स्किल्स जल्दी लर्निंग करने की मेन टेक्निक ये है कि आप लोग खुद टीचिंग करना शुरू कर दें, कुछ सीख रहे हैं खुद भी साथ टीचिंग करना शुरू कर दें, जल्दी सीख जाएंगे। मैंने क्या किया, मैं खुद भी साथ साथ सीख रहा था, थोड़ा लोगों को भी सिखा रहा था, उससे क्या होता था मेरा भी नॉलेज बढ़ता था और लोगों को भी मेरा मतलब नॉलेज आगे बढ़ता था। तो बात कर लिया यूट्यूब की, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने अपना कौन सा कॉन्टेंट क्रिएट करना है, कौन सा नहीं करना। YouTube पर आते हैं, सबसे पहले हमें अपना मेन इंटरेस्ट देखना है किस चीज़ में। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो फिर आप लोग कोई अपने मतलब चैनल स्टार्ट कर लें, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मेन थिंग आप लोग मेन इंटरेस्ट देखें, आप लोगों को कोई स्किल आती है उसके ऊपर काम करें। आप लोग घर में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई आप लोगों की फैक्ट्री है मिल है वहाँ पर जाते हैं, उधर से आप लोग उसकी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करके बना के बता सकते हैं। अब गांव में रहते हैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और भी काफ़ी काम कर सकते हैं। अगर शहर में रहते हैं फिर भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, व्लॉगिंग भी आप लोग कर लें, व्लॉगिंग का भी आजकल मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है व्लॉगिंग का भी, बाकी टेक का भी ट्रेंडिंग है, और भी मतलब कुकिंग चैनल आते हैं, काफ़ी सारे चैनल आते हैं। बस आप लोगों ने स्टार्टअप लेना है, आज ही से स्टार्टअप लेना है आप लोगों ने। ये नहीं करना कि आप लोग भाई सब बैठे रहें और कहें आज नहीं कल नहीं फलां काम कर लेंगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन दूँ, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ। काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे होते हैं कि भाई कह रहे होते हैं हमारे पास फलां नहीं है, हमारा मतलब फलां नहीं है, हमारी एजुकेशन कम है, हमारे पास इतने फाइनेंशियल इशू हैं, तो आप हमें कोई ऑनलाइन अर्निंग बताएं। तो आप ऑनलाइन अर्निंग इसी तरीके से कर सकते हैं, स्किल सीखें, स्किल्स को बिल्ड करें, स्किल्स में मास्टर बने और उसके ऊपर आप लोग काम करें, यूट्यूब का चैनल क्रिएट करें, ऑनलाइन के ऊपर आएँ, ऑनलाइन फील्ड में आजकल जो ज़्यादातर काम हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन फील्ड में ही हो रहा है, तो ऑनलाइन फील्ड में एक बार कदम रखते हैं। आप लोग मुझसे अगर स्किल सीखना चाहते हैं तो मैं भी अपने चैनल के ऊपर काफ़ी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे कोई भी आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं किसी किस्म के बारे में। इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर भी शो है, लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। अब एक स्किल आप लोगों ने सीख ली, उसको मतलब आप उसमें मास्टर बनना है। स्किल एक आप सीख रहे हैं, अब मैं बता रहा आप लोगों को बात कर लूँ, कोई सी भी स्किल सीखते हैं उसको मतलब बिल्ड करना, उसमें मास्टर बनना है, उसके ऊपर काम करना है। अब आप लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं स्किल्स के बारे में कह रहे हैं, बार बार स्किल्स के बारे में कह रहे हैं, क्यों कह रहा हूँ भाई, आप लोगों को इसमें फ़ायदा है, शॉर्टकट के तरीके के पीछे मत भागें। शॉर्टकट में आप लोगों को आज की अर्निंग हो जाएगी, कल की नहीं होगी, कल का भी सोचें आप लोग, लाइफ टाइम तक का सोचें। बाकी आप लोग अपना यूट्यूब का चैनल लाजमी से क्रिएट करना, जो भी आप लोग हैं शक्ल दिखाना चाहते हैं, नहीं भी दिखाना चाहते तो भी आप लोग अपना चैनल क्रिएट करें, अपनी आवाज़ शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लोगों को काफ़ी चैनल मिल जाएंगे शॉर्ट के। अब आजकल तो मतलब शॉर्ट वीडियो का भी ज़माना है, तो शॉर्ट वीडियोस भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाकर। शॉर्ट वीडियो जैसे मैं भी टिकटॉक के ऊपर काम कर रहा हूँ, काफ़ी जो मेरे व्यूअर हैं टिकटॉक से भी यहाँ पर आए होंगे, तो वहाँ पर मैं टिकटॉक के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भी बना रहा हूँ, उससे मेरी रीच बन रही है, मेरा कम्युनिटी बन रही है। अब काफ़ी लोग टिकटॉक से मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप लोग ऑडियंस कवर करना चाहते हैं यूट्यूब में, स्टार्टअप में आप लोगों का यूट्यूब चैनल कामयाब नहीं होता, तो आप लोग अपने अदर सोशल मीडिया से यहाँ तक आप लोग ला सकते हैं, अपने ट्रैफिक बना सकते हैं। अब आप लोग टिकटॉक के ऊपर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से अपने फॉलोवर मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, उधर से आप लोग एंगेजमेंट बनती है, उधर फॉलोवर हैं आप लोगों के, उनको आप लोग अपने इधर भी ला सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोग ला सकते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने काम करें, हर एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग वक्त ज़ाया करते हो, वक्त ऐसे ज़ाया मत करें। सोशल मीडिया से भी इधर आप लोग आ सकते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पर एक वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसको आप लोग हज़ारों सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अब हज़ारों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी इतने आ चुके हैं जिनकी मतलब वीडियोज़ आप लोग वहाँ पर शेयर कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं टिकटॉक के ऊपर भी शेयर करता हूँ, लॉन्ग वीडियोज़ का भी टिकटॉक का आजकल अलाउ कर रहा है, तो उधर से ऑडियंस मेरी इकट्ठी हो जाएगी, लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा मेरे ऊपर। आप लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, स्कैम के साथ आप लोग स्कैम ना तो होना है किसी के साथ, ना ही किसी के साथ स्कैम करना है। कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप लोगों को स्किल के बारे में नहीं पता कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, क्या यूट्यूब चैनल आइडियाज़ हैं, कौन सी हाई पेइंग स्किल हैं, तो उसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बता देना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा। अब बात करिए आप लोग अपनी स्किल को सेल कैसे कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर कुछ मिस हो गई हैं तो मुझे बता देना। आप स्किल के बारे में बात करते हैं कि मास्टर बन के आप लोग उसे सेल कैसे करोगे, आप लोगों के पास कोई स्किल है तो उसको अर्निंग कैसे कर सकते हो, इसके आप लोगों में प्रैक्टिकल भी एक वीडियो में दिखाऊंगा। बट अभी कुछ चंद बातें मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि वो क्या है। आप लोगों एक स्किल सीखनी है, उसमें मास्टर बनना, ये नहीं समझना कि मुझे भाई सब कुछ आता है इस चीज़ के बारे में, आप लोग उस चीज़ के बारे में सबसे पहले मास्टर बनना है। तो आप लोग एक चीज़ में मास्टर बन जाएंगे उसको मतलब आप लोग फाइवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांस बेस के ऊपर भी, मतलब आप लोग फ्रीलांसिंग में भी उसको काम कर सकते हैं। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, guru.com हो गया, freelance.com हो गया, काफ़ी सारी वेबसाइट आती हैं उनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, अपवर्क हो गया और भी हज़ारों वेबसाइट आती हैं उनके ऊपर आप लोग चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो आप लोग अपने पेड कोर्स भी बना सकते हो, कोई चीज़ आती है आप लोगों को उसके पेड कोर्स भी शेयर कर सकते हो, उसकी भी अर्निंग कर सकते हो। और भी मतलब मैं अभी कोई पेड कोर्स वगैरह शेयर नहीं कर रहा, सब कुछ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी सिखा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी सिखा देना। अब बात स्टार्ट किया है, आप लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहे फाइवर के ऊपर, लोगों के पास ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब फ्रीलांसिंग में आप लोगों के पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप लोग सोशल मीडिया से अपने ऑर्डर कवर कर सकते हैं। वो कैसे, वो आप लोग इस तरीके से अपना थोड़ा सा वर्क पोर्टफोलियो अच्छा सा क्रिएट करें, उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, टिकटॉक के ऊपर आप कुछ शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करें, वहाँ से लोग आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस आएगी, अच्छे खासे आप लोगों के सामने ऑर्डर भी आएंगे। इसको आप लोग लाजमी से ज्वाइन करना, मतलब ये तरीके जो चंद मैंने बताए हैं। अगर आप लोग मजीद स्किल्स सीखना चाहते हैं मुझसे, आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल एक एक चीज़ का करके दिखाऊं, आप लोगों की अर्निंग मैं खुद स्टार्ट करवाऊं, मंजिल तक मेरा काम होता है रास्ता दिखाना, आप लोगों का काम है मंजिल तक पहुंचना, अगर किसी किस्म की बात की समझ नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर लेना, वहाँ पर मैं तमाम चीज़ों के आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। बाकी नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना दूँगा, आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो पसंद है। एक आजकल एप्लीकेशन जो ट्रेंडिंग चल रही है कैनवा एप्लीकेशन को भी यूज़ करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। एक एक एप्लीकेशन को यूज़ करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। मैं शुरू में बताया था कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट वाली मैं बात नहीं करने वाला। एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनको यूज़ करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अब आप लोग अगर फोटोशॉप आता है तो उसके आप लोग पोस्टर बनाना आते हैं, आप लोग उसकी अपनी सर्विस दे सकते हैं, अगर कहीं सर्विस देना चाहते हैं तो आप लोगों को अच्छा काम आता है तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बस काम एक बार स्टार्टअप लेना है, आप लोगों ने आज बैठे नहीं रहना कि ये नहीं कि आज कल चलो कल कर लेंगे, आज का काम आप लोगों ने अभी स्टार्ट करना है। अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को शेयर भी कर दें आगे और साथ ही अपना काम स्टार्टअप कर दें, अभी से करें। यूट्यूब का चैनल क्रिएट नहीं करना था तो यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हैं, आसान है, एक बच्चा भी यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकता है। यूट्यूब का चैनल क्रिएट नहीं करना था, यूट्यूब पर जाकर सीखें इस चीज़ के बारे में। अगर आप मुझसे कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करके रख लें ताकि मैं आप लोगों को आगे मजीद भी कुछ चीज़ शेयर करूं। मैं मजीद भी काफ़ी कुछ अपने चैनल के ऊपर शेयर करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि काफ़ी लोगों की यहां पर हेल्प हो, मैं खुद भी अर्निंग कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने भी कुछ चीज़ रखी जाए, आप लोग गलत फहमियों का शिकार ना हो, आप लोग अपनी मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे ज़ाया ना करें, आप लोग एक रियल अर्निंग करें, रियल काम के आगे आएँ। आजकल मतलब ऑनलाइन का दौर है तो आप लोग भी ऑनलाइन स्टार्टअप लें, बेशक आप लोगों के पास तलीम है नहीं है, जैसे भी है, एक स्मार्टफोन अगर आप लोगों के पास है तो भी आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कैमरा अच्छा कंप्यूटर होने की ज़रूरत नहीं है, एक स्मार्टफोन, एक सादे से सिंपल से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बस काम करना क्या है, स्किल्स को सीखना है, चैनल अपना क्रिएट करना चाहते हैं अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टार्टअप लिया था, मतलब मैं तकरीबन 12 साल का था तब से मैंने मतलब ऑनलाइन फील्ड में मेरा इंटरेस्ट हुआ था, अब मैं तकरीबन 17 साल का हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 5 साल मुझे ऑनलाइन फील्ड में हो चुके हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ अर्निंग भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हो उससे,
तो आप लोग मेरे साथ कम्युनिटी बने, मेरे साथ आप लोग जुड़ें, ताकि मैं आप लोगों के साथ फ्री कोर्सेज भी मजीद अपने तरफ से शेयर करूं और आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाऊं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी सिखा देना। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे मजीद उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अर्निंग नहीं कर रहे, आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बेरोज़गार हैं, अर्निंग नहीं कर रहे, ताकि वो वीडियो देख के उनको कुछ समझ आए, कुछ स्किल के बारे में पता चले कि क्या होता है भाई, ऑनलाइन अर्निंग की हकीकत क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो वो आप लोग आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो आगे लोगों तक पहुँचे, मेरे साथ कई कम्युनिटी बने और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू करूं। और मैं अपने चैनल के ऊपर सिखा भी रहा हूं ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी, तो मैं आप लोगों के साथ मजीद चीज़ें भी शेयर करूँगा। तो इस चीज़ अपने चैनल के ऊपर मैं काफ़ी स्किल्स, काफ़ी मतलब पेड सॉफ्टवेयर या फिर आप लोगों के सामने मतलब काफ़ी पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी अपनी तरफ से फ्री भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और साथ आप लोगों को काफ़ी सारे स्किल्स भी सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और एक इस वीडियो को लाजमी से शेयर कर देना। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।